भारत विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं की भूमि, जिसके पश्चिमी तट पर 65,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला गुजरात का सौराष्ट्र, एक तरफ मरुभूमि, दूसरी तरफ हरियाली ही हरियाली और तीन तरफ अरब सागर, और ये वो क्षेत्र है जहां पर बसता है एक प्राचीन शहर द्वारिका। गोमती नदी और सागर के संगम पर बसी विश्वास और इतिहास को जोड़ती द्वारिका, इस शहर ने अलग अलग साल में अलग अलग शासक को देखा है, गुप्त वंश से लेकर राजपूत, मराठा, मुगलों और अंग्रेजों तक। द्वारिका का सबसे पहला ऐतिहासिक उल्लेख गुजरात के भावनगर में मिले 6वीं सदी के पालीतानक कॉपर प्लेट पर मिलता है। इसे श्री कृष्ण भगवान ने बसाया है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के कई नाम और कई रूप है और उनका हर रूप पूजा जाता है। उनका जन्म तो हुआ था मथुरा के कारागार में, लेकिन उनके पिता वासुदेव ले गए उन्हें गोकुल, जहां वो गाय चुराते और माखन चुराते, राधा और गोपियों के साथ रास रचाते बड़े हुए और फिर मथुरा के राजा और अपने मामा कंस का वध किया। कंस के ससुर जरासंध के बार बार मथुरा पे हमला करने के कारण श्री कृष्ण सारी द्वारिका को लेकर सौराष्ट्र आ गए और द्वारिका बसाई। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी और अर्जुन के मार्गदर्शक बने। उन्होंने गीता का ज्ञान और कर्ण का सिद्धांत पूरी दुनिया को बताया। कृष्ण की एक कहानी दक्षिण भारत को पूर्वी भारत से जोड़ती है। कहते हैं द्वारिका बसाने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन ली और देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा से रातों रात द्वारिका का निर्माण कराया। विशाल दीवारों से घिरी ये सोने की नगरी वास्तुकला की सबसे बेहतरीन मिसाल थी। कहानी के अनुसार श्री कृष्ण भगवान जब द्वारिका में धर्म स्थापना कर रहे होते हैं, तब उन्हें माता गांधारी का श्राप मिलता है। माता गांधारी कौरव यानी दुर्योधन की माता होती है और सब कहते थे कि कौरव अधर्मी है, लेकिन गांधारी माता उसे अन्याय समझती थी कि श्री कृष्ण भगवान ने उनके बेटों को मारकर अधर्म किया है, इसीलिए वे उन्हें श्राप देती है, आपका कुल और आपकी द्वारिका समाप्त हो जाएंगी। कहानी के अनुसार माता गांधारी के श्राप के 36 साल बाद विशाल लहरों ने द्वारिका को नष्ट कर समुद्र में मिला दिया। हरिवंश पुराण के अनुसार श्री कृष्ण भगवान द्वारिका के नाश से पहले ही ये द्वारिका को छोड़कर चले गए थे। इसके कुछ समय बाद वे मृत्यु लोक छोड़कर अपने धाम वैकुंठ धाम लौट गए। विकसित प्राचीन सभ्यताओं का समुद्र में मिल जाना या समुद्र में खो जाना, ये हमें बहुत सारी कहानियां बाइबल और ग्रीक कथाओं में भी हमें देखने को मिल जाती है। 1919 में हुई एक आर्कियोलॉजिक खोज में लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि इन कहानियों में कहीं सच में कोई इतिहास तो नहीं छिपा, क्या द्वारिका का होने का वाकई ही कोई ऐतिहासिक सबूत था। आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस आर राव और उनकी टीम इस तथ्य के प्रमाण को ढूंढने में लग गई। खोज की शुरुआत हुई द्वारिका में मिले 9वीं सदी के एक विश्व मंदिर से। ये खोज बढ़ते बढ़ते अरब सागर के अंदर तक पहुंच गई। इन खोजों में पुरानी इमारतों के अवशेष, गहने और बर्तनों के टुकड़े, पुराने लंगर और सेल्स मिली। आज माना जाता है कि मोहनजोदारो और लोथल के प्राचीन शहरों जैसे ही द्वारिका भी हड़प्पा या सिंधु घाटी की तरह एक सभ्यता का हिस्सा थी। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक हड़प्पा आज के पाकिस्तान के हिस्सों से लेकर गुजरात और उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। एक बात तो स्पष्ट थी, हजारों साल पहले भी हड़प्पा सभ्यता विश्व के अन्य हिस्सों से भी व्यापार कर रही थी। कहा जाता है सौराष्ट्र का लोथल दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक था। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने भी अपने सभी राज्य के नागरिकों को पहचान के लिए सील्स दी थी। सील्स माने कोई एक पहचान, जैसे कि कोई कॉइन भी आप ले सकते हो। इन सील्स के अलावा द्वारिका से 33 किलोमीटर दूर 560 मीटर की एक दीवार मिली है, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारिका के विवरण से मिलती है। महाभारत के हिसाब से दीवारों में 50 बुर्ज थे। आर्कियोलॉजिस्ट को खोज में 50 बुर्ज मिल चुके थे। द्वारिका के अवशेष हड़प्पा सभ्यता के अंतिम दिनों यानी 4000 या 3500 साल पुराने हैं। इतिहासकारों के हिसाब से महाभारत का काल भी यही था। श्री कृष्ण की डूबी द्वारिका की एक और कहानी हमारे सामने 2001 में आई, गुजरात के खंबाट की खाड़ी में हुई पुरातत्व की खोज के द्वारा। हालांकि यहां मिले अवशेषों का 9000 साल पुराने से लेकर 13000 साल पुराने होने का अनुमान लगाया गया है। कुछ खोजकर्ताओं का मानना है कि ये अवशेष अपने साइज और अपनी बनावट की वजह से द्वारिका के हो सकते हैं। सालों साल चली इन खोजों से अलग अलग निष्कर्ष
निकाले गए, लेकिन द्वारिका का असली रहस्य शायद समुद्र में ही रह गया है। द्वारिका ओखा मंडल का हिस्सा है। यहाँ समुद्र के तटों का कटना, भूकंप और तेज समुद्री हवाएं बड़ी आम बात है। इसीलिए द्वारिका में सभी इमारतों की दीवारें काली और कमजोर हो जाती है, पर यहाँ पर विश्वास और आस्था कभी भी कमजोर नहीं पड़ते हैं। द्वारिकाधीश के रहने वाले सभी लोगों के आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन का एक केंद्र है ये भव्य द्वारिकाधीश मंदिर। ये जगत मंदिर और त्रिलोक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये द्वारिका में सभी इमारतों से सबसे ऊंचा है। इतिहास में किसी भी ग्रंथ या किसी भी कहानी या किसी भी उल्लेख में हमें इस मंदिर की स्थापना के बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन प्रमाणों के अनुसार 8वीं सदी के महान विद्वान गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उसके बाद इसकी देखरेख राजपूतों ने की। 15वीं शताब्दी में महमूद बेगड़ा ने इस मंदिर को तुड़वा दिया। 1857 में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान इसे बड़ी हानि पहुंची, लेकिन 1861 में अंग्रेजों ने गायकवाड़ों के साथ मिलकर इसकी मरम्मत कराई। 1907 में इस मंदिर को गवर्नमेंट के अंडर सौंप दिया गया, पर कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाथ ने करवाया था। द्वारिकाधीश की प्रतिमा की यानी मूर्ति की अलग अलग कहानियां हमें देखने को मिल जाती है। एक कहानी स्पष्ट करती है कि इस प्रतिमा की आंखें अधूरी क्यों बनी है। इस कथा के अनुसार ये प्रतिमा सावित्री बाओ यानी कुएं में मिली थी। 15वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणियों के डर से पंडितों ने इस प्रतिमा को कुएं में छिपा दिया। कहते हैं कई साल के बाद एक ब्राह्मण के सपने में श्री कृष्ण आए, मूर्ति को एक निर्धारित समय के बाद निकालने का आदेश दिया। ये सुनते ही वो ब्राह्मण बेताब हो गए और उन्होंने मूर्ति को समय से पहले ही निकाल लिया। इसीलिए इस प्रतिमा की आंखें पूरी नहीं बन पाई और इसीलिए आज भी द्वारिकाधीश मंदिर में ये प्रतिमा आधी अधूरी आंखों के साथ ही है। ये विश्वास भारत के अरबों लोगों की ताकत है, मुश्किल समय में उनका सहारा है, क्योंकि अपने करोड़ों भक्तों के लिए श्री कृष्ण जन्म लेते रहेंगे अधर्म के नाश के लिए हर साल और अनंत काल तक।